कहानी है एक डरावनी रात की। किसी गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। वह एक ठंडा दिन था, हर तरफ कोहरा छाया हुआ था, कोई आमने सामने भी नजर नहीं आया। 15 घंटे बाद वह गुजरात पहुँचे। एक डरावनी रात अगले दिन परीक्षा थी, इसलिए उन्होंने किसी होटल में रुकने का सोचा। रात हो चुकी थी और उसका कहीं पता नहीं था। उनके बजट में सस्ता होटल उपलब्ध नहीं था। काफी खोजबीन के बाद उसे एक सस्ता होटल मिल गया। उन्होंने उस होटल में एक कमरा बुक किया और जब वह कमरे में गया तो उसने देखा कि कमरे के चारों तरफ जाल लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये कमरा कई सालों से बंद पड़ा हो और कमरे के अंदर का माहौल बहुत डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उन्होंने ये सब नजरअंदाज कर होटल से खाना ऑर्डर किया और खा पी कर सो गए। जब वह सो रहा था तो रात करीब 1 बजे उसे किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। वह रात एक डरावनी रात है। बंटी तुरंत उठा और तेजी से खिड़की के पास गया, ये पता लगाने के लिए कि रात में किसकी पायल की आवाज सुनाई देती है और आधी रात को इस सुनसान रास्ते पर कौन भटक रहा है, क्योंकि होटल में बंटी और मैनेजर के अलावा कोई नहीं था। तो हाँ, फिर किस औरत की पायल की आवाज की सुनाई दे हरन। बंटी काफी देर तक खिड़की पर खड़ा रहा लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फोन किया और कहा कि मैं इतनी रात से पायल की आवाज सुन रही हूँ, आप भी क्या दे रहे हैं? मैनेजर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है सर, इसका एहसास आपको हवा से हो रहा होगा। वैसे भी यह जंगली इलाका है, यहाँ हल्की हवा भी तूफान जैसी लगती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप सो जाएं। बंटी ने मैनेजर पर भरोसा किया और फिर सो गया। कुछ देर बाद उसे फिर वही पायल की आवाज सुनाई दी, पहले से भी तेज। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और सीधे होटल के बाहर देखने चला गया। जब वह बाहर आया तो उसने एक बहुत लंबी महिला को देखा जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके बहुत लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वह हाथ में नारियल लेकर होटल में घूम रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह पायल की आवाज से किसी को बुला रही हो। बंटी दौड़कर उसके पास गया और बोला, ये कौन औरत है जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है? लेकिन वह तुरंत गायब हो गया और चारों ओर कोहरा फैल गया। बंटी भी थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि जो स्त्री उसने पहले देखी थी वह अब दिखाई नहीं देती थी। बंटी अपने होटल वापस जाना चाहता था लेकिन तभी उसे फिर से पायल की आवाज सुनाई दी। बंटी अब उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वह अपने होटल से इतनी दूर आ गया कि उसे पता ही नहीं चला। तभी उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि महिला ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाशें रखी हुई हैं। निर्देशक बारी बारी से एक को नोच नोच कर अरू खा रहा था। उसका मुंह खून से लथपथ था और उसका चेहरा भी बहुत डरावना था। जब बंटी ने ये सब देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब दृश्य देखकर वह भय से रोने लगा कि वह चुड़ैल अब मुझे मार डालेगी, क्योंकि अपने पैरों की आहट से वह मुझे यहाँ ले आया है। लेकिन उसने हिम्मत की और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए धीरे धीरे वहाँ से भाग गया ताकि भूत उसे देख न ले, लेकिन भूत तो भूत होते हैं। बंटी ने वहाँ से भागने की कोशिश की, वह चुड़ैल अचानक उसके सामने आ गई। इशारों से अपने अड्डे पर ले जाने लगी पर जहाँ पर शेर ले। बंटी ने हनुमान जी का जाप किया और वहां से इतनी तेजी से भागा मानो उसके अंदर किसी की शक्ति आ गई हो। वह सीधे अपने होटल की ओर भागा। कुछ देर वहां रुकने के बाद उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी। वह एक अच्छा आदमी लग रहा था। वह बंटी के पास आया और बोला,
अरे भाई, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बंटी ने उस आदमी को पूरी कहानी सुनाई और उसने कहा कि भाई, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो आज बच गए। वह भूत किसी को नहीं छोड़ता। और आप इस होटल में क्या कर रहे हैं? ये कई वर्षों से बंद है। जब बंटी ने उस आदमी के बारे में इतना सुना तो वह उससे डर गई और उसके पसीने छूटने लगे। फिर वह आदमी बताने लगा कि कई साल पहले इसी होटल में एक लड़की के साथ 4-5 लड़कों ने रेप किया था और उसकी भयानक तरीके से हत्या कर दी थी। लड़की मर गई लेकिन किसी को नहीं छोड़ा और जो भी रात के समय इस रास्ते से गुजरा उसने सभी को पकड़ लिया और मार डाला। और कुछ दिनों बाद इस होटल पर पुलिस ने छापा मारा तो ये होटल बंद है। जब बंटी ने उस आदमी की पूरी बात सुनी तो वह जोर जोर से रोने लगा। सोच रहा था कि आज मर जाऊंगा। फिर उस आदमी ने बंटी को चुप कराया और कहा कि चलो तुम आज रात मेरे घर पर रुको, मेरा घर मेरे पास ही है। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। बंटी ने उस आदमी को धन्यवाद दिया और उसके साथ उसके घर चला गया। और मैंने खुद से वादा किया कि आज के बाद मैं कभी गलती से भी किसी अनजान जगह पर नहीं जाऊंगा।